नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सबके स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे होंगे। मैं हूं दुर्गेश डीके, आपका फ्रेंड। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों आज हम बात करेंगे गुप्तकालीन शासन व्यवस्था, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसे नोट कर लीजिएगा। अगर आप इसका फोटो चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। दोस्तों अगर हम बात करें गुप्त युग जो था, प्रशासन में विकेंद्रीकरण देखने को मिलती है। केंद्रीय प्रशासन की जो सुधारणता मौर्य युग में देखने को मिलती है, वह गुप्तकाल में देखने को नहीं मिलती है। समुद्रगुप्त ने जिन राजाओं को युद्ध में हराया था, उनमें से अधिकांश को उसने अपने साम्राज्य का अंग ही नहीं बनाया, बल्कि उनसे कर लेकर उनका साम्राज्य यथावत रूप से चलने दिया था। कौन? समुद्रगुप्त। चलने दिया था, उनसे कर लेकर उनके राज्य को छोड़ दिया था। बस वो कर लगान देते थे और समुद्रगुप्त ने उनका जीवनचर्या को बनाए रखा। अगर हम बात करें गुप्त शासकों ने महाराजाधिराज, परम भट्टारक, परमेश्वर जैसे बड़ी बड़ी उपाधियां धारण की थी। इससे पता चलता है कि उनके अंतर्गत छोटे छोटे अधीनस्थ शासक रहे थे। गुप्त शासकों ने राजत्व के दैवीकरण का प्रयास किया, अर्थात उन्होंने जनता में यह विश्वास जगाने का प्रयास किया कि राजा धरती पर ईश्वर के प्रतिनिधि है। संभवतः ऐसा क्षेत्रीय शासकों के विद्रोहों के आलोक में किया गया होगा। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने अपनी तुलना इंद्र, वरुण, यम और कुबेर से की है। आप सब जानते हैं जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने अपनी तुलना इंद्र, वरुण, यम और कुबेर से की है। और इसे आप समुद्रगुप्त को भी समुद्रगुप्त की तुलना भी इंद्र, वरुण और यम से किया जाता है। आप सब जानते हैं जो समुद्रगुप्त था, समुद्रगुप्त को तुलना इंद्र से करते हैं, वरुण से भी किया जाता है और यम और कुबेर से भी किया जाता है। आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा अच्छे से। दोस्तों जो गुप्त काल था, जो समुद्रगुप्त थे, समुद्रगुप्त ने कर लेकर उनके राज्य को छोड़ दिया था। अगर आप हम अगले तरफ बढ़ें तो गुप्त काल में प्रशासनिक पदों को भी वंशानुगत किया जाने लगा था। इसके पदों को वंशानुगत रूप से चलने दिया जा रहा था। इसके साथ ही अगर हम बात करें, एक अन्य प्रवृत्ति उभरी, वह थी कि एक ही व्यक्ति को कई पद सौंप दिए जाने की प्रथा। उदाहरण के लिए प्रयाग प्रशस्ति का लेखक हरिसेन ही एक साथ कुमारामत्य, संधि विग्रह और महादंडनायक के पद को ग्रहण करता है। इतिहासकार पीएल गुप्ता ने अमर शब्द का अर्थ आधुनिक काल की नौकरशाही से लगाया है। साम्राज्य का विभाजन भुक्तियों यानी प्रांतों में हुआ था। इस पर उपरिक या उपरिक महाराज नामक अधिकारी नियुक्त किया जाता था, और जो उपरिक होते थे उनकी नियुक्ति सम्राट ही करते थे। एकदम बहुत सोच विचार कर उनकी नियुक्ति किया जाता था। अगर हम बात करें सीमांत प्रदेशों के प्रशासक को गोप्ता कहा जाता था। जो सीमांत प्रदेशों के प्रशासक व्यवस्था के हो उसे गोप्ता कहा जाता था। भुक्तियां प्रांतों को विभाजन अनेक जिलों में किया जाता था, जिन्हें विषय कहा जाता था। जो जिले होते थे उन्हें विषय कहा जाता था। विषय का सर्वोच्च अधिकारी विषयपति या कुमारामत होता था। विषयपति का कार्यकाल अधिष्ठान कहलाता था। विषयपति की सहायता एवं सलाह देने के लिए एक परिषद होती थी। इस परिषद के प्रमुख को नगरपति कहा जाता था। इनके सदस्य नगर श्रेष्ठी, सार्थ व प्रथम कुलिक व प्रथम कायस्थ होते थे। इनकी नियुक्ति 5 वर्ष के लिए की जाती थी। गुप्त काल में नगर पालिकाओं के अस्तित्व के भी प्रमाण मिलते हैं। प्रत्येक विषय के अंतर्गत कई ग्राम होते थे। ग्राम प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी। इसका सर्वोच्च अधिकारी ग्रामपति या मेहतर कहलाते थे, जो आज के मुखिया के समान होता था। जो गाँव के सरपंच होते हैं, आप सब जानते हैं, ग्राम सभा के अस्तित्व के साक्ष्य मिलते हैं। जो ग्राम सभा होती थी उनके अस्तित्व के साक्ष्य मिलते हैं। पेठ ग्रामों के समूह कहा जाता था। पेठ था जो पेठ यानी ग्रामों के समूह कहा जाता था। गुप्त काल में न्याय व्यवस्था का भी समुचित ढांचा था। सम्राट सर्वोच्च न्यायाधिपति था। इस काल में पहली बार दीवानी और फौजदारी यानी कि व्यवहार और विधि दंड संहिता थी। कानून भली भांति परिभाषित है, पृथक किए गए हैं। चीनी यात्री फाहियान के अनुसार गुप्त काल में दंड विधान अधिक कठोर नहीं था, क्योंकि गुप्त काल में मृत्युदंड का प्रावधान नहीं था। फाहियान उल्लेख करता है कि गुप्त काल में दंड विधान कठोर नहीं था, क्योंकि गुप्त काल में मृत्युदंड का कोई प्रावधान नहीं था। दंड के रूप में आर्थिक जुर्माना अधिक प्रचलित थी। जो दंड के रूप में आर्थिक रूप से जुर्माना अधिक प्रचलित होती थी, आप सब इसे देख लीजिएगा। प्रयाग प्रशस्ति का जो लेखक था हरिसेन एक ही साथ वह कुमारामत, संधि विग्रह, महादंडनायक के पद को ग्रहण करता है। अगर हम बात करें जो प्रांत होते थे उन्हें भुक्ति कहा जाता था। भुक्ति में बटा था, आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। भुक्ति होता था, भुक्ति के बाद आपका सीमांत यानी विषयपति, जो विषय का सर्वोच्च अधिकारी विषयपति कुमारामत होता था। विषयपति का कार्यकाल अधिष्ठान कहलाता था। जो विषयपति का कार्यकाल होता था वह अधिष्ठान कहलाता था। आप लोग इसे दोस्तों नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये सारी चीजें आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट है। और आप लोग चैनल में आप लोग कमेंट जरूर किया करिए, आप अपनी राय जरूर दिया करिएगा, आपसे अनुरोध है। अगर हम बात करें गुप्त काल के प्रमुख अधिकारी कुमारामत्य जो था, सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी होता था। आप कह रहे हैं IAS IPS हो सकते हैं जो वर्तमान में होते हैं।
आपके महादंडनायक यानी न्यायाधीश, महासंधि विग्रह यानी युद्ध और शांति का अधिकारी, महाबलाधिकृत यानी सेनापति और महाअक्ष पाटलिक आपका लेखा विभाग का सर्वोच्च अधिकारी होता था। आप लोग यहां तक नोट कर लीजिएगा दोस्तों, गुप्त काल को जो प्रमुख अधिकारी थे कुमारामात यानी सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी होते थे, महादंडनायक न्यायाधीश होते थे, महासंधि विग्रह आपके युद्ध और शांति के अधिकारी होते थे, महाबलाधिकारी सेनापति होते थे, महाअक्ष पाटलिक आपके लेखा यानी अकाउंटेंट्स के विभाग के सर्वोच्च अधिकारी होते थे। आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। अगर हम बात करें प्रतिहार, राजमहल के अंदरूनी क्षेत्र का रक्षा, जो प्रतिहार होता था राजमहल के अंदरूनी क्षेत्रों का रक्षण करता था, महाप्रतिहार संपूर्ण राजमहल का रक्षक होता था, भाट आपका पुलिस अधिकारी होते थे और पुष्पपाल आपके राजकीय दस्तावेजों के रक्षक होते थे और सार्थवाय आपके व्यापारियों के निगम या समिति के मुखिया होते थे, प्रथम कुलिक यानी प्रधान शिल्पी एवं शिल्प संघ के मुखिया होते थे। आप लोग यहां तक नोट कर लीजिएगा दोस्तों, प्रतिहार राजमहल के अंदरूनी क्षेत्र का रक्षक होता था, महाप्रतिहार आपके संपूर्ण राजमहल का रक्षक होते थे, भाट पुलिस अधिकारी होते थे, पुष्पपाल राजकीय दस्तावेजों के रक्षक होते थे, सार्थवा व्यापारियों के निगम या समिति के मुखिया होते थे, प्रथम कुलिक प्रधान शिल्पी और शिल्प संघ के मुखिया होते थे। आप लोग यहां तक नोट कर लीजिएगा प्यारे साथियों। अगर हम बात करें प्रथम कयास प्रधान लिपिक होता था, भंडाराधिकृत जो भंडार का अधिकारी होते थे वो राजकोष अधिकारी कहलाते थे, दंडपासिक आपका पुलिस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी होते थे, विनय स्थिति स्थापक आपके धर्म संबंधी मामलों के प्रधान होते थे, शिक्षा अधिकारी एवं लोक नैतिक आचरण पर दृष्टि रखने वाला अधिकारी होता था। कौन? विनय स्थिति स्थापक आपका जिसका कार्य होता था धर्म संबंधों के मामलों के प्रधान होता था, शिक्षा अधिकारी होता था और लोक नैतिक आचरण उसके अंडर में होते थे, महापिलपति आपके गज सेना का प्रधान होता था और रणभंडाकारी जो आपका रणभंडाकारी होता है, महापिलपति आपका गज सेना का प्रधान होता है, रणभंडाकारी आपके सेना में रसद सामग्री की व्यवस्था करने वाला अधिकारी होते हैं और आपके चार्ट यानी साधारण सैनिक होते हैं, जो चार्ट होता था उसे साधारण सैनिक कहा जाता था और भट्ट आपका जो भट्ट होते थे घुड़सवार सेना का प्रधान अधिकारी होते थे, नगर सृष्टि या नगर का प्रधान सृष्टि होते थे। दोस्तों ये था आपका गुप्तकालीन शासन व्यवस्था। अगले दिन हम आपको बताएंगे गुप्तकालीन साइंस, गुप्तकाल में साइंस कैसा था, चिकित्सा कैसे थी, ये सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, ना भी आई होगी तो एक फ्रेंड के साथ कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय हिंद जय भारत।